ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଚିକେନ ଗ୍ରେଭି। ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 600 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ କୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଚିକେନ କୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ କି ହଳଦୀ କିଛି ବି ଜିନିଷକୁ ଆଡ୍ କରିନି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 3 ମିଡିୟମ ସାଇଜ ପିଆଜ କୁ ଲମ୍ବାକୁ ପୁରା ପତଳା ଆକାରରେ ଆଉ ଲମ୍ବା ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 2 ମିଡିୟମ ସାଇଜ ଟମାଟୋ କୁ, 4 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 1 ଗୋଲା ରସୁଣ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା କୁ ନେଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କୁ ନେଇଛି। नुआ नुआ ओडिया रोसेई रो वीडियो देखिया पई एबे ही तळे थिबा नाली बटन को प्रेस करी आम ओडिया रोसेई YouTube चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखर दिया बेल आइकन को भी दबे दियंतु। एटी मु करेली दे दिछु 1 चम्मच तेल को। तेल रे एबे हमें दे देबा प्रथमे प्याज को। प्रथमे एत्रे हमें प्याज को देले तार सतो दे देबा अदा रसुण आ कंचा लंका को। एथि हमें सब दिन तक को भाजी की ग्राइंड करबा। एबे एथरे में दबा अल्प किसी तेजपत्र आउ डालचीन को आ सब जिन को भल से भाजवा। पियाज टी भाजवा एठे हमर हेई हे जे 2 मिनिट। तो ए समय एथरे में टमाटर दे देबा आ स्वाद अनुसार लुण को भी दे देबा। तो चिकन को गोटे थरा आपण इबडका प्रोसेस रे बनांदु बहुत ही बड़ा लागिवो। तो गैस फ्लेम के पूरा पूरी लो कर देखिए मीडियम रखी। पिज र कलर चेंज हो पर्यंत ये हमें पिज को पूरा भलसे भाजवा। आगुरी मुझे अल्प किसी आलू को पूरा भलसे भाजिक रखीदे मान ये आलू टी पूरा पूरी 95% कुक हो जाए। बाकी आपको हमें चिकेन सागर पकई कसवा। तो ये पिज अदा रसुण पूरा बहुत बढ़िया से भाजी एवं आपको आम किसी समय थंडा होगा छाड़देपर आपको आम ग्राइंड करवा। कि गोटे कथी आप मन रखिए आपको आप जो भी ग्राइंड करेंगे जमा भी पा को आड करेंगे सेमती ही आपको आम ग्राइंड करवा। तो ये आपको मुझे काढ़ी गोटे प्लेट रखी नौ थंडा होगा। तो ये मुझे सेम कर 2 चमच तेल को। तेल प्रथम देद चिकेन को। तो ये आम दबा हलदी गुंडा को हाफ चमच भी टी कम हलदी गुंडा को दबा। तो ये गैस मैच को मुझे पूरा पूरी हाई रे रखीदे। चिकेन को प्रथम आम हलदी गुंड को देखी 5 मिनिट पर्यंत हाई फ्लेम एमती भलसे भाजवा। तो ये आम चिकेन को हाई फ्लेम छाड़ा हो जाए 5 मिनिट। आ चिकेन कलर हल्का चेंज हो देखिपे आमर जो पिज अदा रसुण कंचा लंका को भाजिकी रखी से थंडा ही जाइए। तो ताको मुझे ग्राइंड करने थी। तो से मसला बटा को एबे मैथरे दे दबा। और मिक्सिंग जार जो आम अल्प टिके मसला बटा रही से मुझे पानी को भी आड कर दे। तो से पानी को भी आम दे एबे मध्ये हमें गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई रे रखीचे। चिकेन सहित हमें मसला को पूरा भलसे कुक करवा। तो मसला को देखिए हम कसवा हो जाए 5 मिनिट। एबे एथे हमें दे देबा लंका गुंड को। तो मत टी अधिक राग पसंद से हिसाब से आउ गोटे बड़ चमच लंका गुंड को दौची। आमे कंचा लंका को भी ग्राइंड करते आपड़ी राग कम पसंद ताला आप लंका गुंड को स्किप करें। हाफ चमच जीरा गुंड को दौर इस समय गैस फ्लेम को पूरा पूरी लो रे रखी आ गोटे चमच दबा धनिया गुंड को। स्वाद अनुसार लुण को देदे जो समय पिज अदा रसुण को भाजी से ही समय भी आम लुण दे। तो ये आप देखिए लुण को बालान्स करेंगे। अल्प किसी धनिया पत्र को भी मुझे बाकी धनिया पत्र को परे यूज करवा। सब जिन देदेले एवं सब जिन भल से मिक्स करवा। मिक्स करवा गैस फ्लेम को पूरा पूरी लो करदे कवर करके जमा पा को दबानी एवं कवर कर ना। तो पूर्व मुझे गोटे चमच चिकेन मसला को आ गोटे थर आगे भलसे गोल ना और कवर करके लो फ्लेम छाड़ देबा 20 मिनिट पर्यंत।
आलू को आम पर आड करूँ जो आम आलू को पूरा भलसे सीझे नहीं चे भाजिकी आलू को आम पर आड करवा सब जिन भलसे मिक्स करना कवर कर छाड़ ना 20 मिनिट पर्यटन लो फ्लेम चिकेन को लो फ्लेम कवर कर छाड़ा 20 मिनिट एम जमा भी पानी को देने मझे मुझे आपको गोटे थर एपट सेपट कर नहीं थी ये देखने चिकेन टी के कुक हो चिकेन टी पूरा भलसे कुक होने आगे भाजिक रखी आलू को भी देद आम जी ग्रेवी दरकार से हिसाब से पानी को भी देद जो आलू को देचे आलू को चिकेन मसला सहित आम दुई मिनिट पर्यटन भलसे कसवा तो सही टाइप रेणुकरी दूसरी हाफ ग्लास पानी को लो फ्लेम कवर करके 5 मिनिट पर्यंत छाड़ ना अल्प किसी धनिया पत्र को दे दूचे लो फ्लेम कवर कर छाड़ा 5 मिनिट लास्ट एड कर हाफ चमच गरम मसला को आ सब जिन भलसे गोले ना गोटे मिनिट पर्यंत लो फ्लेम छाड़ ना फुटवाई भलसे घोल ना तो ये आप ग्रेवी कनसीस्टेन्सी देखी पारे मुझे ये ठीक रखी आपके पा दरकार तो आपके पा को देपर जेहेतु आज चिकेन ग्रेवी बनाऊे तेणु करके चिकेन ग्रेवी आर कनसीस्टेन्सी ये रे टेस्ट बहुत भल लगी था गोटे मिनट आपको आम फुटाप छाड़ ना गैस को बंद कर ना तो यहाँ ये रेडीगला आपरे प्रोसेस चिकेन ग्रेवी को प्रस्तुत करोगुड़ा प्रोसेस बनई रुटी हूँ नान हूँ पटा सहित हूँ भात सहित भी आपको सर्व करें बन खाई सारे कमी लगेगा निश्चय मत कमेंट करके जहां।